वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। कोरोना वायरस तो दुनिया भर में कोहराम मचा ही रहा था, लेकिन एक दूसरे वायरस ने अब लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी है। ये वायरस है हंता वायरस। जी हाँ, यूनान प्रांत में बस से सफर कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई और चीन के अखबार दी ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उसकी जान गई हंता वायरस के कारण। आपको ये बता दें कि हंता वायरस कोरोना वायरस की तुलना में 24% अधिक खतरनाक है। ऐसे में दुनिया में लोगों को हंता वायरस से कितना है डरने की जरूरत, क्या है इस वायरस के लक्षण, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के मुताबिक हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों के कारण फैल रहा है। ये इन्फेक्शन उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जो चूहों के यूरिन या फिर उनकी स्लाइवा को अपने फेस तक ले जाते हैं। आपको ये बता दें कि अमेरिका के लिए हंता वायरस एक नया शब्द है, जबकि यूरोप और एशिया के लिए ये एक पुराना शब्द ही है। अगर हम बात करते हैं लक्षणों की, तो इतना तो आप भी जानते हैं कि कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं, वो सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। लेकिन हंता वायरस के अंदर सामान्य फ्लू के अलावा सर्दी लगने, थकावट होने, बुखार होने, सरदर्द होने, चक्कर आने, मांसपेशियों में दर्द होने की समस्या भी होती है और साथ ही इसके कारण पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी रोगी को दिखाई देती है। हंता वायरस के लक्षणों के बारे में आपने जाना, जिसे देखकर आप भी ये समझ गए होंगे कि इस वायरस के बारे में भी पता लगा पाना आसान नहीं है। हंता वायरस की पहचान करने में 1 से लेकर 8 हफ्तों तक का समय लग जाता है, लेकिन अगर इसका इलाज सही समय पर ना करवाया जाए तो इसके कारण जान भी जा सकती है। इसके कारण किडनी फेल हो सकती है, अटैक आ सकता है और रोगी को लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। आपको ये बता दें कि हंता वायरस जो है वो कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक है। कोरोना वायरस के कारण अभी दुनिया भर में 16,000 से भी अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि 3.5 लाख से भी अधिक लोग इसके कारण संक्रमित है। लेकिन हंता वायरस और भी अधिक खतरनाक है। इसके कारण जान जाने का खतरा 24% अधिक है। हंता वायरस फिलहाल चीन के ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है, जहां पर चूहों की संख्या अधिक है। आपको ये बता दें कि जो पर्यटक वहां पर आते हैं वो भी कैंप्स में जाते हैं और वहां वो चूहों के चपेट में आ सकते हैं। इस वजह से उनको भी ये वायरस फैलने का खतरा है। लेकिन ये वायरस आमतौर पर इंसान से इंसानों में नहीं फैलता, इसलिए इसके फैलने का खतरा कोरोना जितना अधिक नहीं है। लेकिन एक बार अगर कोई व्यक्ति हंता वायरस की चपेट में आ जाता है तो उसका स्पेसिफिक इलाज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ही नहीं। वही अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के कारण दम तोड़ने वाले लोगों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी कारण भारत में भी 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। भारत की जंग अब कोरोना वायरस से है। ऐसे में आपको और हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए अपने ही घरों में रहें, सेफ रहें। और हाँ, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स जानने के लिए आप बने रहें।